सोशल मीडिया पे उनका तलाक ही करवा दिया। लोगों ने तो झूठ बोल बोल के उनके ऊपर वीडियो बनाई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ मैं फिर से एक बात रखूँगी अयान मॉम के ऊपर। बहुत सारी लेडीज़ ने वीडियो बनाई, बहुत सारी लेडीज़ों ने, और मैंने भी बनाई, मैं एग्री करती हूँ। लेकिन मैंने किस चीज़ पे बनाई, जो भी उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया, उसमें से अगर मुझे कहीं कोई चीज़ गलत लगी, मैंने उस पॉइंट को रखा, बाकी मैंने कहीं भी ब्लॉगिंग में या किसी भी चीज़ में कोई कमी नज़र नहीं आई, ना मैंने कुछ बोला। लेकिन लोगों ने तो झूठ बोल बोल के उनके ऊपर वीडियो बनाई है। अब आप खुद देख लीजिए, अयान मॉम ने सिर्फ इतना सा बोला था बर्थडे वाले दिन, थोड़ी सी उनकी और उनके हस्बैंड की जो है तू-तू मैं हो गई थी, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पे उनका तलाक ही करवा दिया और बात तलाक तक ले गए। क्या उनको कहीं से ये बात पता चली थी, सच था इसमें? नहीं था ना कहीं भी सच, क्योंकि रमा ने ये कहीं बात नहीं बोली, गौरव ने ये बात कहीं नहीं बोली, फिर भी लोगों ने इस चीज़ पे वीडियो बनाई, अपने थंबनेल में ये लिखा, टाइटल में लिखा, वीडियो में बोला। तो आप खुद देख लीजिए कितना झूठ बोल बोल के वीडियो बनाई गई है। और दूसरा, गौरव जी इतने अच्छे इंसान हैं, इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं और हमेशा अपनी वीडियो में मुस्कुराते हुए नज़र आए हैं। पापा के रूप में भी वो कितना अच्छा किरदार निभाते हैं, अपने हस्बैंड के रूप में भी कितना अच्छा किरदार निभाते हैं। जो हस्बैंड अपनी वाइफ का साथ दे रहा है किसी काम को आगे बढ़ाने में, जहाँ भी जाते हैं, होटल हो या कहीं भी, मतलब मॉल वगैरह में, वहाँ भी लोगों से बोलते हैं कि मेरी वाइफ का चैनल है, उनको सब्सक्राइब करो। तो ये देखिए, इससे ज़्यादा हेल्प क्या होगी, मतलब अपने फैमिली में, बाहर, मतलब हर चीज़ में, मतलब वीडियो बनाने में तक में वो इतना सपोर्ट करते हैं, खुद भी आके बोलते हैं, मतलब हद से ज़्यादा वो मजाक भी करते हैं वीडियो में, ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बन जाए वीडियो। तो कि इमेज भी ख़राब करने की पूरी कोशिश की गई है कि तीसरा कौन आ गया उनके बीच में, तीसरा कौन था, तीसरे की वजह से लड़ाई हुई है और उनका बाहर अफेयर चल रहा था, मतलब वो इसी वजह से लेट आए थे। तो कितना लोगों ने मतलब झूठ बोल बोल के वीडियो बनाई है। अब आप खुद देख लीजिए कि किसी शादीशुदा बंदे को मतलब ये कह देना कि भाई उनका तलाक होने वाला है, वो भी सोशल मीडिया पे, तो ये कितना मतलब एक तरह से सुनने में भी दुखदाई है कि थंबनेल में भी लिख रहे हैं, टाइटल में भी लिख रहे हैं, अपनी वीडियो में भी बोल रहे हैं। जो कि बंदा इतना अच्छा है, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा दी है, तो ये चीज़ तो मुझे बहुत ही गलत नज़र आई कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए लोग उसको सच मानते हैं, उनकी एक अच्छी पोस्ट है और ऐसा कहीं भी नहीं था, रमा को भी ये चीज़ कहीं भी नहीं लगी होगी, क्या लोगों को कहीं से ये चीज़ पता चली थी, या रमा ने कही थी, या मतलब गौरव ने कही थी, या कुछ भी, मतलब ऐसा कहीं से भी मतलब सच्चाई थी उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। अब आप खुद देख लीजिए कि एक वाइफ के मन में ये चीज़ें डाल देना कि भाई तीसरा कौन था, तीसरे की वजह से लड़ाई हुई, बाहर अफेयर चल रहा था, अपनी वीडियो में इतना बोला है लोगों ने कि भाई रमा ने इसी वजह से स्टैंड लिया। एक पत्नी को स्टैंड लेना भी चाहिए, जब पति इस तरह की हरकत करता है उसको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। तो थोड़ा सा मतलब उसको भी इस तरह का फिर डाउट डाल रहे हैं उसके मन में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं गलत, इस तरह से होती हैं कि गलत वीडियो बनाना, ना कि कोई पॉइंट अगर आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, अगर उस पर मतलब, या फिर समाज को थोड़ा सा मतलब वो गलत हिंट दे रहा है या गलत मैसेज दे रहा है, उस पर वीडियो बनाना, उस पर कुछ बोलना, वो वीडियो गलत नहीं होती है। बल्कि हमें कुछ पता ही नहीं है और उस बंदे के बारे में हम झूठ झूठ बोल रहे हैं, वो वीडियो बनाना गलत होता है, जैसा कि लोगों ने करा है इस काम को। अब आप ये देख लीजिए, किसी को भी कहीं तक भी नहीं पता, क्योंकि वो इतनी दूर रहते हैं कि उनका अफेयर है नहीं है बाहर, मतलब, लेकिन फिर भी लोगों ने ये चीज़ बोल बोल के वीडियो बना दी, इसका कोई तुक नहीं बनता है। अगर वो बंदा खुद इस तरह की मतलब वीडियो को देखेगा, सुनेगा, मतलब एक इमेज खराब करने की कोशिश की गई वहाँ पे, और इस तरह की जब बातें आती हैं तो क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और अपने ऊपर से मतलब इस चीज़ को मतलब ब्लेम को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है उस बंदे के लिए। तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगी भाई, इस तरह की वीडियो ना बनाए तो ज़्यादा बेटर है। झूठ बोल बोल के वीडियो बनाना, वो चीज़ें गलत है। अब परसों जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर भी मतलब कमेंट आ रहे थे कि भाई आप तो पलट गई ये वो, तो मैं उस पर क्लियर कर देती हूँ कि मैं कोई पलटी नहीं थी। मैंने यही बोला था कि इनके त्यौहार एक साथ ही मनेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, और कि भाई जैसे ये लोग दिखा रहे हैं अपनी अपनी वीडियो में इतना ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के कि भाई वो तलाक होने वाला है, ये होने वाला है, तो इस चीज़ के लिए मैंने वो चीज़ें बोली थी।
और मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था। तो बस मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि किसी के कैरेक्टर पे मतलब बिल्कुल इस तरह से उंगली नहीं उठानी चाहिए, जब तक हम खुद ना देख लें या बिना सोचे समझे मतलब इस तरह नहीं बोलना चाहिए कि उनकी मतलब अगर ऐसा ना भी हो तो भी मतलब उनकी लड़ाई सच में हो जाए तो थोड़ा सा सोच समझ के वीडियो बनानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कहीं भी जो जिस पॉइंट को लेके मैंने वीडियो बनाई उस पे मतलब कोई गलत वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े जिन्होंने मेरी बात को एग्री किया, समझा, सही बोला, और कुछ में से कुछ थे जिनको नहीं वो बात सही लगी, तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि हर बंदे के साथ ऐसा होता है, कोई चाहे बड़ा यूट्यूबर है कोई छोटा यूट्यूबर है, तो लाइक और अनलाइक सबके साथ होते हैं, तो उनके चाहने वाले भी और जो ना चाहने वाले भी दोनों जगह होते हैं, तो मैं उस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं कहूँगी जिनको वो बातें नहीं सही लगी, क्योंकि आप खुद देख लीजिए जब अयान मॉम भी अगर वीडियो डालती हैं तो लाइक और अनलाइक दोनों आते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ लाइक ही लाइक है, अनलाइक बिल्कुल भी नहीं है, तो होता है क्योंकि सबकी सोच अलग होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे आज अपनी सिर्फ ये छोटी सी वीडियो ही डालनी थी और छोटी सी ही बात रखनी थी, तो आप लोगों को अगर मेरी बात सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।